ये मेन पार्ट है मशीन का, ये मेन बराबर ना, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट होगी। चालू नहीं हुआ है अभी हमारा ट्रीटमेंट, पेशेंट्स के ऊपर चालू करने से पहले हमें 100% श्योर होना पड़ता है कि रेडिएशन डोज जहां हम चाह रहे हैं, जितना हम चाह रहे हैं उधर ही जा रहे हैं। इसको हम क्लिनिकल कमीशनिंग फेज बोलते हैं। तो अभी हमारे ये तीन जो गैंट्री रूम्स हैं वहां हम क्लिनिकल कमीशनिंग फेज में हैं, जहां हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये डोज जैसा हम चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं वैसे ही जा रहा है। उसके बाद ही जब हम 100% श्योर हो जाएंगे तो ही हम एक्चुअल ट्रीटमेंट का पे चालू करेंगे। हमारा कोशिश ये होगा कि लार्ज प्रपोर्शन, काफ़ी बड़ा प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में हम इसको कम से कम कॉस्ट या कम्प्लीटली फ्री कॉस्ट में करने का कोशिश करेंगे। एक साल में करीब हम 800 पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे इस फैसिलिटी में, एंड उनमें से करीब 300-400 तक का हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम ट्रीटमेंट कॉस्ट में ट्रीटमेंट हो। ये है हमारा, तो ये तो सर्विस का है हमारा, लेकिन सर्विस के साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूशन का एक मोटो है कि हम एजुकेशन एंड रिसर्च ये दोनों चीज़ करेंगे। तो एजुकेशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक नया टेक्नोलॉजी है, लोगों को सीखना है कि इसका मशीन का मेंटेनेंस कैसे होता है, मशीन का बेस्ट यूज़ कैसे होता है, किसको किस टाइप के ट्रेनिंग ज़रूरत है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम अपना अपने इस सेंटर में करेंगे प्रोटॉन थेरेपी यूज़ में। ये तो एजुकेशन हो गया। साथ में हमको ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप के ट्यूमर में सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। ये हम कैसे करेंगे, हम अपना रिसर्च करेंगे कि कौन से ट्यूमर में किस टाइप का रेडिएशन लगता है, किस टाइप के ट्यूमर में इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ये हमारा रिसर्च फोकस होगा इस सेंटर में। ये संकल्पना है पहली या दूसरी कितनी है? देखिए पूरे दुनिया में करीब 80 सेंटर्स हैं जहां प्रोटॉन थेरेपी आज के तारीख में अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने बताया पहले, ज़्यादातर सेंटर्स अमेरिका या यूरोप में हैं, कुछ ही सेंटर्स हैं एशिया पैसिफिक में, उसमें से चाइना में है, जापान में है, कोरिया में है, और इस रीजन में और हमारे कंट्री में ये पहला थ्री रोटेटिंग गैंट्री एडवांस्ड प्रोटॉन थेरेपी फैसिलिटी ये होने वाला है हमारे कंट्री में। ये ऐसा है, इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, गरीब लोग कैसे कैसे उठाएंगे इसका? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस होता है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री के हर एक सिटीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनका फाइनेंशियल एबिलिटीज कितना है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उन्हें ये मिलना चाहिए। एंड इसीलिए हमारा एम होगा, हमारा मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम लोग फ्री ट्रीटमेंट कर सकें। कितने को हम कर सकेंगे, हमारा कोशिश होगा करीब 40-50% को फ्री या हाईली नॉमिनल कॉस्ट में करें ट्रीटमेंट। यही इलाज जब बाहर कोई अपने देश का कोई कराने जाता तो इसका खर्चा कितना, बाहर देश में इसका खर्चा कितना है? अगर मैंने अमेरिका भेजा किसी को इस ट्रीटमेंट के लिए, आज के तारीख में एक कोर्स इसका ट्रीटमेंट का करीब 1-1.5 करोड़ का खर्चा आने वाला है इसमें, जो कि हमारे लिए किसी के लिए भी ये बहुत ही बड़ा रकम है। सो इसीलिए इस सेंटर से काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा कि वो सबको अवेलेबल होने वाला है ये ट्रीटमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनके पास कितना पैसा है। सर सो देखिए, जब हम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग के टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, और हमारा जो मेन मकसद होता है रेडिएशन थेरेपी का, उसमें हमारा एम होता है कि रेडिएशन का जो बीम है जो उसको डायरेक्टली फोकस ट्यूमर के ऊपर करे, और ट्यूमर के सराउंडिंग आजू बाजू जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनमें कम से कम रेडिएशन जाए। तो इसका फ़ायदा ये है कि रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आपने नॉर्मल टिश्यू का डोज कम किया तो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होता है। तो प्रोटॉन थेरेपी में सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि जो नॉर्मल टिश्यू का डोज है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं, एंड जिसके कारण से रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो कम हो जाता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों में आगे जाके ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का चांसेस रहता है। तो अगर अपने ये डोज नॉर्मल टिश्यू के ऊपर कम कर दिया तो बच्चों में बोन ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, बाकी जो ऑर्गन्स के ग्रोथ हैं उसमें उसका प्रभाव कम होता है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। सो प्रोटॉन का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बच्चों का ट्रीटमेंट में। इसके सिवाय बाकी जो एडल्ट्स के ट्रीटमेंट है वहाँ भी फायदा होगा, लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा फायदा है। दूसरा बड़ा चीज़ सिग्निफिकेंस हमारे इस सेंटर का ये है कि ये हमारा एक गवर्नमेंट सेंटर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। टाटा मेमोरियल सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो हमारा फंडिंग लगा है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है। तो यहाँ हमारा एम होता है कि सबसे टॉप क्लास ट्रीटमेंट सबसे कम कॉस्ट में सभी को अवेलेबल हो। इसका इस सेंटर का हमारा ये सेंटर जो है इसका महत्व ये है कि अमेरिका में या यूरोप में अगर आज मैंने ये ट्रीटमेंट किया इसका कॉस्ट करीब 1 से 1.5 करोड़ का होता है। तैयार करते आणि ही प्रोटॉन जे बीम आहे ते 3 रूममध्ये जाते आणि हे ते तिघच रूममध्ये प्रोटॉन पेशंट येतात आणि त्या डॉक्टर लोक जे आहेत टाटा मेमोरियल सेंटरचे आणि ॲट्रॅक्टचे ते वापरणार आहेत ते बीम पेशंट ट्रीट करणार। सर याचं मेंटेनन्स कसं असणार आहे, त्या दृष्टीकोनात काय काळजी घेतली आपण? 10 किंवा 10 वर्षाचं मेंटेनन्स आमच्याकडेच आहे। ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स दोघेही आम्ही करू। 10 वर्षासाठी IBA ही ऑपरेशन रन करणार आहे टाटा मेमोरियल सेंटर आणि ॲट्रॅक्टसाठी। ओके, हे देशामधली पहिली संकल्पना आहे किंवा कुठे अजून याच ठीक आहे ना?